तो गाइस BGMI के अंदर iPad View और BGMI कैसे स्मूथ ग्राफिक्स में चलने वाला है गाइस, जिससे कि जो लो एंड डिवाइसेस है लाइक 3GB 4GB गाइस, उसमें भी BGMI बहुत ही प्रॉपरली वर्क करेगा एंड लाइट प्लेयर्स को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है ये गेम। ऐसे कुछ मज़ेदार फीचर्स गाइस 1.5 अपडेट में ऐड किए गए हैं BGMI के अंदर, जो कि यार बहुत ही गजब के हैं। एंड गाइस इन्हीं फीचर्स के बारे में तुम लोग को बताऊंगा, सो वीडियो को जो यार पूरा एंड तक देखना है, एक भी पार्ट स्किप मत करना है। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले फीचर नंबर 1 जो कि गाइस जायरोस्कोप के अंदर चेंज किया गया है। एंड गाइस ये काफ़ी गेम्स में हमको देखने को मिल जाता है, बट फाइनली BGMI के अंदर हमको देखने को मिल रहा है, जो कि है रिवर्स जायरोस्कोप का फीचर। एंड गाइस इसका यूज़ करके हम लोग को मतलब कि जो जायरोस्कोप है गाइस उसको रिवर्स कर सकते हैं। बेसिक के अंदर गाइस ये सेटिंग मिल जाएगी। एंड जैसा कि गाइस देख सकते हो, इसको अगर हम लोग इनेबल कर देते तो होता यूँ है कि जब हम लोग अपने फ़ोन को डाउन करते हैं तो स्क्रीन अप होता है, एंड गाइस जब अप करते हैं तो स्क्रीन डाउन होता है। इससे क्या है कि जायरोस्कोप बिल्कुल रिवर्स में वर्क करता है, बट इस फीचर का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि सभी बंदे जो पहले से खेल रहे हैं गाइस उनका हाथ जायरोस्कोप पर अच्छे से बैठ गया। सो न्यू प्लेयर से गाइस जो जायरोस्कोप ट्राई करना चाहते हैं वो इसे ट्राई कर सकते हैं, बट पुराने प्लेयर्स गाइस आई नो स्किप करेंगे। उसके साथ ही गाइस सेकंड फीचर हमको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जो कि सेटिंग्स के अंदर मिलता है। एंड गाइस वो है क्विक थ्रो के अंदर। बाय द वे इसको इनेबल करने का कुछ फ़ायदा है नहीं, बिना इनेबल किए गाइस काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसको। गाइस इस फीचर का फ़ायदा ये है कि हम अपने टीममेट्स को गाइस अब जो है अपनी मेडकिट्स वगैरह, पेन किलर एंड एनर्जी ड्रिंक्स गाइस वो भी सप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि इस पर हमने टैप एंड होल्ड किया तो यहाँ पर ऑप्शन आ गया हमें क्या थ्रो करना है। यहाँ पर गाइस मैं देख सकता हूँ यहाँ पर अपने जो मेडकिट से मेरी जितनी भी हीलिंग आइटम से गाइज वो यहाँ पर थ्रो कर सकता हूँ। एंड काफ़ी अच्छा फीचर इन लोगों ने दिया है। सबसे पहले ये PC में आया था, बट फाइनली गाइज मोबाइल के अंदर भी हमको ये फीचर देखने को मिल रहा है। उसके साथ ही गाइज अब हमको नेक्स्ट फीचर गाइज यहाँ पर एक और मिलने वाला है, जो कि पहले तुम लोग ये क्लिप देख लो। कुछ लो स्पेसिफिकेशन वाले डिवाइसेस पर स्मूथ से भी नीचे एक ग्राफिक का ऑप्शन डाल दिया गया है। हमने 90 FPS कुछ नई डिवाइसेस के लिए भी डाल दिए हैं। तो गाइस सुन तो लिया ही होगा तुम लोगों ने गाइस, जो कुछ डिवाइसेस हैं जो कि लो स्पेक्स डिवाइसेस लाइक 3GB 4GB गाइस उनके लिए स्मूथ से भी नीचे एक ग्राफिक्स आने वाला है। 1.5 अपडेट की बात की गई थी, बट यहां पर जैसा कि देख सकते हो यहां पर अभी स्मूथ ही दिया हुआ है, अभी आया नहीं है। बट गाइस कुछ ही वीक्स में ये सेटिंग भी हमको BGMI के अंदर देखने को मिल जाएगी। एंड गाइज जब ये फीचर आएगा तो गाइज तुम लोग पबजी मोबाइल लाइट के ग्राफिक जैसा कि देख सकते हो, दोनों BGMI एंड पबजी मोबाइल लाइट दोनों के ग्राफिक्स इस टाइम स्मूथ पर हैं, बट पबजी मोबाइल लाइट के ग्राफिक्स गाइज कुछ ज़्यादा ही स्मूथ हैं, मतलब कि बिल्कुल अल्ट्रा स्मूथ। तो गाइज ऐसी ग्राफिक्स हमको BGMI के अंदर देखने को मिल सकते हैं। एंड गाइस अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फीचर की तरफ, जो कि iPad View फीचर है। देखो ये एग्जैक्ट तुमको iPad View नहीं देने वाला, क्योंकि भैया iPad नहीं है तुम्हारा फ़ोन। तो बेसिक के अंदर यहाँ पर हम लोग जाना है। एंड गाइस यहाँ पर देख सकते हो तुम लोग थर्ड पर्सन प्रोस्पेक्टिव कैमरा व्यू। गाइस इसको क्या करना है हमको, इसको बिल्कुल 90 कर देना है। एंड गाइस जैसा कि डिफरेंस आप देख सकते हो गाइस, अब हमारा प्लेयर गाइस कितना मतलब कि एरिया कवर कर सकता है, हम लोग के स्क्रीन में गाइस ज़्यादा से ज़्यादा एरिया अब आ रहा है। एंड गाइस जैसा कि मैंने बोला, बिल्कुल कर नहीं देने वाला iPad व्यू को, क्योंकि भैया वो iPad है। बट गाइस काफी अच्छा व्यू हमको इस सेटिंग से देखने को मिल जाता है। एंड गाइस नेक्स्ट फीचर ये कि जब भी हम लोग मैच स्टार्ट करते हैं तो यार हमको एक ब्रॉडकास्ट सुनाई देता है कि बैटल ग्राउंड मोबाइल इज नॉट अ रियल वर्ल्ड गेम गाइस, ऐसा ही कुछ सुनाई देता है, जैसे कि तुम लोग यहां पर सुन सकते हो। तो गाइस जाहिर सी बात है एवरी मैच में स्टार्ट होते ही सबसे पहले ये सुनाई देता है, टीममेट की आवाज़ भी तो ढंग से नहीं सुन पाते। तो गाइस इसका भी फिक्स इन लोगों ने यहाँ पर कर दिया है। गाइस तुम लोगों को क्या करना है, तुम लोगों को सिंपली जो है गाइस सेटिंग्स में जाना है। एंड गाइस यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर जो बेसिक होता है गाइस, बेसिक के अंदर ही बिल्कुल नीचे तुम लोग अगर स्वाइप करके जाओगे तो यहाँ पे हमको एक फीचर देखने को मिलता है, स्पॉन आइलैंड ब्रॉडकास्ट। गाइस इसको सिंपली हम लोग को ऑफ कर देना है। एंड गाइस मैच को यहाँ पर हम लोग दोबारा से स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस इस बार तुम लोग देखोगे यहाँ पर हम लोग को पॉपअप तो आएगा, जो पॉपअप लिख कर आता है कि नॉट अ रियल गेम गाइस, ऐसा कुछ
वो पॉपअप तो आएगा लेकिन हम लोग को जो गाइस कोई भी साउंड सुनाई नहीं देने वाला। जैसा कि यहाँ पर तुम लोग सुन सकते हो गन्स वगैरह के साउंड आ रहे हैं, सबके साउंड आ रहे हैं, बट यहाँ पर वो ब्रॉडकास्ट हमें बिल्कुल भी सुनाई नहीं दिया। गाइस यही तो कुछ फीचर्स जो कि काफी गजब के हैं। ज्यादातर बंदों को इसके बारे में अभी नहीं मालूम। बंदों को लगता है कि बस टेस्ला वगैरह ऐड किया गया है, नया मैप वगैरह आ गया, ज्यादा नहीं मालूम उनको कि क्या क्या फीचर्स क्या क्या सेटिंग्स ऐड की गई हैं। तो आई होप तुम लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होती है लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही ऑसम वीडियोस चैनल पे आते रहेंगे। मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।